हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे पीजीटी फिजिक्स मेल का पेपर, और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 12% फॉर 2 ईयर्स ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹432। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोल रहा है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 12% की दर से अंतर दे रखा है ₹432। तो प्रिंसिपल निकालना है यानी कि मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, अगर 100 हमारा मूलधन है तो हर साल 12% है तो 12 मिलेगा, अगले साल भी 12 मिलेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अगर ₹100 मूलधन है हमारा, प्रिंसिपल है, तो पहले साल तो 12 मिलेगा, अगले साल 12 तो मिलेगा ही, साथ में इस 12 का 12% भी मिलेगा। इस 12 का 12% कितना हो गया? 1.44। तो टोटल कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट? ये 13.44। तो डिफरेंस कितना हो गया 2 साल के सिंपल और कंपाउंड का? 1.44 यूनिट। तो 1.44 की वैल्यू क्या रखी है? 432। कंपेयर कर लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 300। टोटल कितना है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल? कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बनाने के लिए 2 जीरो चिपका दो इधर, यानी 30,000 हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 9:11 रेस्पेक्टिवली। इफ 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर ए एंड 24 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर बी आर मिक्सड टू फॉर्म अनदर मिक्सचर, देन वॉट विल बी द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। क्या बोल रहा है कि दो कंटेनर हैं ए और बी, जिसमें एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है यानी एल्कोहल और पानी का मिक्सचर, एक में 3:2 है, एक में 9:11 है। तो पहले में से तो 12 लीटर निकाला जा रहा है और दूसरे में से 24 लीटर, और उससे तीसरा मिक्सचर बनाया जा रहा है। पूछ रहे हैं कि उस तीसरे मिक्सचर में एल्कोहल और पानी का रेशो क्या होगा। देखो, अगर रेशो की बात हो रही है तो हम रेशो में ही सवाल को सोल्व करेंगे। पहले में क्या है? 3:2, और दूसरे में 9:11। देखो, इसमें से 12 लीटर ए वाले में से और बी वाले में से 24 लीटर यानी 1:2 में लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी क्वांटिटी को सेम कर लेंगे, उसके बाद 1:2 में ले लेंगे मिक्सचर को। ये कितना है टोटल? 3:2, 5। ये कितना है? 11:20। तो अलग अलग क्वांटिटी है, पहले क्वांटिटी को सेम कर लेंगे। तो 20 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, 4 2 8। अब ये भी 20, ये भी 20। अब इसे लेना है 1:2 में, क्योंकि 12 और 24 लिया ना, 1:2 में लेना है। आप बोलोगे 12 24 में क्यों नहीं लिया? देखो भैया, तो 12 24 में ले लो या फिर 1:2 के अनुपात में ले लो, आंसर सेम ही आना है, कैसे भी कर लो। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो, इसका 1:2 लेना है तो 12 8 में आएगा। तो एल्कोहल कितना उठाया इससे? 12। इसे 2:2 में लेना है यानी 9 का 18 हो जाएगा। एल्कोहल कितना आया इधर से? 18। पानी कितना आया? देखो, इधर से पानी 8 ही आएगा क्योंकि 1:2 ले रहे हैं। इधर से पानी कितना आएगा? दुगना आएगा यानी 11 2 22। तो एल्कोहल और पानी का मिक्सचर कितना हो दूसरे में? 18 12 30, और इधर भी 22 8 30 यानी 1:1 का एल्कोहल पानी का रेशो हुआ तीसरे वाले मिक्सचर में। आगे समझ में? देखो, 1:2 में लेना था, ये तो 12 24 कर लेते थे, या फिर क्या करो, इन दोनों को रेशो को सेम कर दो और 1:2 में बांट दो। मान लो यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 36 होता, तो 1:3 को करते फिर। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, द रेशो 45% ऑफ 80% ऑफ ए टू 30% ऑफ 40% ऑफ बी इज 15:4। इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 67.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। क्या बोल रहा है? ए का 45% का 80% का रेशो दिया हुआ किसके साथ? बी के 30% के 40% के साथ। क्या दिया रेशो? 15:4। 15:4 लिख लो या 15:4, बात एक ही है। ये काट लो, 4 2 8, 40 2 80, 15 2 30 और 15 3 45। ये 2 से 2 गया और ये 3 से 5 बार, यानी ए रेशो भी क्या गया? 5:1।
चार। क्या दिया हुआ है? दोनों का एवरेज। जब दोनों का एवरेज इतना है, दोनों का सम कितना हुआ? 67.5 × 2, इतना सम हो गया। और वैसे सम कितना है? 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, यानी 7.5 × 2 = 15। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15। क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना? 5 − 4 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 15। यानी 15 ही हमारा आंसर है। अगला देखते हैं। ये इंटरनेट यूजर्स बताए गए हैं ओवर द ईयर्स, मतलब 2013, 14, 15 और 16 में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु, इन लैंग्वेज में कौन कौन इंटरनेट यूजर्स हैं, कितने? ठीक है, हमें क्या बताना है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कन्नड़ इंटरनेट यूजर्स ओवर द ईयर्स? कन्नड़ भाषा में सभी सालों में एवरेज नंबर बताना है कितने यूजर्स थे। कन्नड़ ये है हमारा, तो 110 प्लस 112 प्लस 123 प्लस 115, और चार वैल्यू है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चारों को जोड़ दो, 460, और चार वैल्यू तो 4 से डिवाइड कर दिया, यानी 11 × 44, 4 × 5 = 20, 115 मिलियन, क्योंकि मिलियन में दिया हुआ है ये सब, इन मिलियन है ना। नेक्स्ट, एक आइटम को 1520 पे मार्क किया हुआ है, 25% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे यानी एमपी पे। इफ 4% लॉस इन अकर्ड ऑन सेलिंग द आइटम, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? देखो, मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया, एमपी पे 25% का डिस्काउंट दिया, यानी एमपी के 25% का डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है हमारा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? एमपी का 75%, और 4% का लॉस हुआ, यानी ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के 96% के, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता 100%। अब जब 4% का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इसके भी बराबर होगा। जब ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर और ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो मार्क प्राइस का 75% बराबर सीपी का 96%। ये डायरेक्टली लिख देंगे हम, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। अब एमपी से सीपी का रेशियो क्या आ गया? 96/75, यानी कितना आ गया? 32/25 रेशो आ गया। एमपी दे रखा है 1520, यानी 32 की वैल्यू है 1520। पूछ क्या रहा है? डिफरेंस बताना है एमपी और सीपी का। डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट। जब 32 की वैल्यू ये है 1520, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1520/32, और 7 यूनिट की कितनी होगी? × 7 कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 332.5। ठीक है, कैलकुलेट खुद कर लेना आप। नेक्स्ट आते हैं हम। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है रुके हुए पानी में, यानी बोट की स्पीड क्या है? 10। इसने 91 किलोमीटर तो पानी के साथ गई और फिर इतने ही वापस आई, टोटल कितना टाइम लगा? 20 आवर। पूछ रहा है पानी की चाल बताओ। तो देखो, 91 किलोमीटर तो DSS यानी बोट प्लस वाटर, प्लस 91 किलोमीटर बोट माइनस वाटर, टोटल टाइम कितना लगा? 20 घंटे। अब देखो, इन सवालों को कैसे करेंगे? ऑप्शन से करना हमेशा बेटर रहता है। देखो, 91 है, ये किससे कटता है? 13 से कटता है या फिर 7 से कटता है। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे ये नीचे वाले से पूरा कट जाए। क्या लें 10 के साथ? 3 लेके देखते हैं। 10 × 3 = 13, 13 × 7 = 91, 10 − 30 = 7, यानी 13 × 7 क्या हो गया? 20। इक्वेशन सेटिस्फाई, यही हमारा आंसर है, यानी पानी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर/आवर। आगे समझ में? ऑप्शन से करेंगे तो सबसे बेस्ट है और सबसे फास्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वाला, कि भाई सॉल्यूशन है 600 ग्राम शुगर का, जिसमें 45% शुगर है। अब 45% शुगर है बाय वेट, यानी 55% पानी हो गया, तो 45-55 का रेशो हो गया, यानी 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, 9 × 11 का रेशो। इतनी शुगर है, इतना पानी है। हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक इट 60% शुगर सॉल्यूशन बाय वेट, यानी 60% बनाना है। पहले 45 था, 60 बनाना है, यानी 60 ये हो गया और 40 हो गया पानी, यानी 20 × 60 और 20 × 40। तो पहले तो रेशो था 9 × 11, अब रेशो हो गया 3:2,
लेकिन क्या डाल रहे हैं हम इसमें, डाल कर रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं, यानी शुगर चेंज हो रही है, वाटर तो चेंज हो नहीं रहा। तो इन क्वेश्चन में हमेशा ये करते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा उसे सेम बना लो। तो ये 11 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम 11 की कर दें, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब कितना रेशो हो गया, 2 18, 11 2 22, ये कितना हो गया, 11 3 33, 11 2 22। अब पानी सेम हो गया, चेंज क्या हो रहा है, शुगर पहले कितना था इसकी वैल्यू 600 ग्राम, 22 18 यानी 40 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 600 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15 चौका 60। क्या बताना है, कितनी शुगर ऐड की जाए, शुगर कितनी ऐड करी, 18 से 33 हो गई यानी 15 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 थी, 15 यूनिट की 15 × 15 यानी कि 225 ग्राम शुगर ऐड करनी पड़ेगी हमें। आगे समझ, इन सवालों में ऐसे ही करना है, जिस चीज को चेंज कर रहे हैं उस चीज को चेंज करना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसे सेम बना लो। हमारा सवाल सॉल्व। 20 men can do a work in 15 days, while 10 women can do the same work in 20 days। कि भाई 20 आदमी 15 में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 20 men into 15, या फिर 10 women into 20, ये टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये मैंने बता रखा है टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में, नहीं देखे तो देख लेना उस वीडियो को। तो मैन और वोमेन को कंपेयर कर लेंगे, ये 20 से 20 गया और ये क्या बचा, मैन बटे वोमेन बराबर 5 × 2 = 10, 2/3 यानी मैन की एफिशिएंसी 2 और वोमेन की 3। तो टोटल वर्क क्या आएगा, या तो मैन की वैल्यू रख दो या वोमेन की वैल्यू रख दो। मैन के रखेंगे 20 × 40, 15 × 64 = 600, और अगर वोमेन के रखेंगे 10 या 30 × 60 = 600, हर केस में 600 आएगा, किसी में भी रख के देख लो। अब क्या पूछा है, 18 मैन एंड 18 वोमेन मिलके कितने दिन में करेंगे, 18 मैन की एफिशिएंसी 18 × 36, 18 वोमेन की कितनी है, 18 × 54, टोटल एफिशिएंसी कितनी, 90, 90 एफिशिएंसी, काम है 600, कितने दिन में करेंगे, 20/3। ठीक है, आ गया, आगे चलते हैं। देखो ये वाला कौन सा दिखा रहा है, ये है रिस्ट वॉच यानी हाथ घड़ी, और ये वाला ग्राफ कौन सा है, वॉल वॉच यानी दीवार घड़ी। अलग अलग मंथ में कौन कौन सी घड़ियां बेची गई ये बता रहा है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिस्ट वॉच सोल्ड इन गिवन मंथ बाय द शॉप। भाई एवरेज रिस्ट वॉच कितनी बेची गई ये पूछना है। तो रिस्ट वॉच ये वाला है, इन सबको ऐड कर दो, 142 प्लस 72 प्लस 124 प्लस 58, और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया हमारा, इन सबको जोड़ने के बाद आता है 396, 2 2 4 4 8 8 16, 6 आ गया, 7 4 11, 2 13 5 18 और 1 19, और 1 कैरी आ गया, 1 1 2 और 1 3, 396/4, 4 × 36, 4 × 36 यानी 99 हमारा क्या आ गया, एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बताना। देखो ये कितना हुआ, 43 × 86 टू पॉइंट कुछ है, ये 21 × 42 दो के आसपास है यानी 1.9 के आसपास, ये 7 × 7 = 4 यानी 7×5 = 65 1.5 के आसपास है, ये कितना है, 34 × 68 3 बचा यानी 2.9 के आसपास है, ये कितना था, 43 × 86 और 43 × 86 2.2 के आसपास था। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें नीचे वाला बड़ा होता है, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली। दो तरीके बता रखे हैं मैंने इसके, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, जो फिजिबल लगे उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज प्राइस दे रखा है 3 आइटम का 1200 रुपये। जब एवरेज 1200 है 3 आइटम का, तो पूरा कितना हो गया, 3600। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जब एवरेज 1200 है 3 आइटम का, तो पूरा सम हो गया 3600। इनका रेशो दिया 4 5 3, जब 4 5 3 है तो इनका सम वैसे कितना हुआ, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू 3600, तो एक की कितनी हो गई, 300। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट, चीपेस्ट कौन है, सस्ता कौन है इसमें से, ये वाला। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एक यूनिट की 300, तो 3 यूनिट की 900, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगले पे चलते हैं। स्पीड देखिए, बस और कार की 2:5, ये बस है ये कार है। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन सम टाइम। देखो ये स्पीड का रेशो है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम सेम दिया हुआ है हमें, तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, तो डिस्टेंस का रेशो भी सेम 2:5। कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 280, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 280। तो 1 यूनिट की क्या आ गई, 5 × 5 = 25, 3 हासिल बचा 5 × 6 = 30, 56 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 56 हो गई। क्या पूछा है, देखो ये जो है फालतू की चीज़ दी हुई है कि डी किलोमीटर लेस ट्रेवल कर रहे हैं, बेकार फालतू की चीज़ है। वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 यूनिट, 1 यूनिट की 56 है, तो 2 यूनिट की 56 × 2 यानी 112। कई बार ऐसी फालतू की चीज़ भी दे देता जिसका कोई मतलब नहीं होता देने का, ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता तो हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 7 square units व्हेन इट्स ब्रेथ अलोन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। कि भाई इसकी एरिया जो है 7 square units बढ़ जाती है जब इसकी चौड़ाई 1 यूनिट बढ़ती है। तो देखो इसका एरिया क्या होता है, L(n)(b), और जब ये बी 1 यूनिट बढ़ती है तो पूरा एरिया 7 यूनिट बढ़ रहा है। ये कब हुआ होगा, क्योंकि देखो एल से मल्टीप्लाई हो रही है और ये 1 यूनिट बढ़ी है, तो एल 7 रहा होगा, जब भी इसकी 7 से मल्टीप्लाई होगी 7 यूनिट ज़्यादा बढ़ी होगी। इसे ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले एरिया रहा होगा एल बी, अब बी 1 बढ़ गई तो बी प्लस 1 हो गया, यानी एल बी प्लस एल। अब पहले एल बी था, अब एल बी प्लस एल, तो ये तो सेम है, तो ये एल कितनी रही होगी, ये 7 रही होगी, जब भी तो 7 बढ़ा है, तो ऐसे ही करना है इसे, तो एल की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या है, अब एरिया 5 square units बढ़ा जब इसकी लेंथ 1 यूनिट बढ़ी, जब लेंथ 1 यूनिट बढ़ी और एरिया बढ़ गया 5, यानी इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, 5 यूनिट लंबाई चौड़ाई आ गई। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिमाप, 2 L + b, एल प्लस बी कितना 12, यानी 12 × 24। आगे समझ में, अगले पे चलते हैं। लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 15 लीव्स रिमाइंडर 7। ये हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या मैं एक और तरीका बताता हूँ, 8, 12, 15 का एलसीएम 120। 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 1000 के आसपास कौन सी संख्या से डिवाइड होती है, देखो 12 × 8 = 96, 1960 है, तो हमें तो बड़ी लेनी है लोवेस्ट 4 डिजिट, ये तो 3 डिजिट वाली हो गई, ये तो ले नहीं सकते। इसके अलावा कौन सी, 12 × 8 = 96, 12 × 108, यानी 1080 से पूरे से पूरी डिवाइड हो जाती है। लेकिन क्या हमें रिमाइंडर 7 भी जोड़ना है, 7 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, यानी 1087 हमारा ऐसा नंबर है लोवेस्ट 4 डिजिट, जो इन सब से डिवाइड होने के बाद 7 रिमाइंडर छोड़ता है। अगले पा जाओ, प्राइस जो है वीट का 20% कम हो गया, यानी पहले 100 था प्राइस, ये प्राइस है, अब क्या हो गया 80। 180 का मतलब क्या हो गया, 5:4। क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन को कितना बढ़ाए कि खर्चा पहले जैसा रहे, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या रहता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब हमने मान लिया, देखो 5:4 का रेशियो, हमने मान लिया टोटल एक्सपेंस जो है पहले 20 था और अब भी 20 रखना है, 5:4 का एलसीएम ले लिया यहाँ पे, 20 20 रखना है, तो कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 4 की, और 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 5 की, यानी पहले कंजम्पशन कितनी थी 4, अब कितनी है 5, कितनी बढ़ी 1 यूनिट, कितने पे, 4 पे। 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं 25%, यानी हमें खपत को 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा खर्चा सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंटरनेट यूजर्स इन 2016 to 2015 कंबाइनिंग ऑल लैंग्वेज टुगेदर। सभी लैंग्वेज को मिला के 2016 और 15 में क्या रेशो है, ठीक है, क्या रेशो है, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 5, 22, 8, 30, 0, 8, 1, 9, 4, 13, 3, 16, 26, 24, 3, 25, 2 + 1, 3, 3, 6, 3, 9, 950 आ गया इधर, ये 2016 का है। 2015 का देखते हैं, 8, 5, 13, 2, 15, 3, 18, 2, 20, 0, 4, 2, 6, 2, 8, 5, 13, 2, 15,
पाँच एक 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 दो तीन पाँच तीन आठ, क्या के रेशियो जो कट रहा है काट लो, पाँच से कट जाएगा 19 और 17, रेशियो क्या आ गया 19:17। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, 200 और 1500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं। जब 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं इसका मतलब बोल रहा है ऐसे कितने नंबर हैं जो 21 से डिवाइड होते हैं। 3 और 7 दोनों से होंगे तो 21 से तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो 200 और 1500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 21 से डिवाइड होते हैं। देखो 200 के आसपास कौन सा नंबर है जो 200 से बड़ा है और 21 से डिवाइड होता है, 210, क्योंकि 21 से कम 21 होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 231 होगा। फिर अप टू कौन सा नंबर होगा 1500 के आसपास, 214, 1400 के आसपास 1491। ठीक है, 1500 से छोटा नंबर 1491 जो 21 से डिवाइड होता है। ये आप कैलकुलेशन जब सीखेंगे आपको आराम से पता लग जाया करेगा कि कौन सा नंबर है। अब देखो टोटल नंबर निकालने का तरीका क्या है, ए एन बराबर एपी वाला फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आप ऐसा भी ना कर पाए फॉर्मूला याद ना रहे तो सिंपल बात याद रखना, इन दोनों के बीच का अंतर 1491 माइनस 210 अपॉन में, इनका बीच का अंतर क्या अंतर है 21 प्लस 1, इन दोनों का अंतर डिवाइड बाय कितना इनके बीच में अंतर है पहली और दूसरी संख्या के बीच में 21 और प्लस में 1, ये क्या आ गया, ये घटा लेंगे, 1 9 में से 1 गया 8, 14 में से 2 गया 12 बटे 21, 21 छिक्का 126, 21 एक 21 प्लस 1, यानी टोटल 62 संख्या ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होती हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, डायमीटर बताना है स्फेयर का, गोले का, जिसका सरफेस एरिया 24.64 स्क्वायर सेंटीमीटर है। गोले का एरिया क्या होता है 4πr² ये होता है, बराबर क्या दिया 24.64, कैलकुलेट कर लेंगे 4 × 22/7 इंटू r² बराबर 24.64, 22 एकम 22 पॉइंट आ गया, 2 बचा 22 एकम 22, 4 बचा 22 × 44, 1.12 आ गया। फिर काट लेंगे 4 × 8, 3 बचा 4 × 8 = 32, यानी 0.28 आ गया। तो r² बराबर क्या आ गया 7 × 0.28, इसमें से 7 और बाहर निकाल लो, 7 × 7 × क्या आ गया 0.04। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो इधर से एक 7 आएगा, इधर से 0.2, यानी r बराबर क्या आ गया 7 × 0.2 यानी 1.4। क्या पूछा, डायमीटर, डायमीटर होती है दुगनी हमारी रेडियस की, इसका दुगना क्या होगा 2.8। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये देखो बोर्ड मास वाला है, पहले डिवाइड करेंगे 14 × 2 = 28, 20 बचेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू 15, 25² 625 बराबर x² 20% को कहते हैं 1/5, यानी 125 का 1/5 25 हो गया है। ठीक है, x² बराबर क्या आ गया, ये 300 और 625 में से 25 गए, ये 600 बचा, x² बराबर 900 और 900 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 30, ये 30 हमारा आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ये और भी सिंपल है, ये किसका स्क्वायर है 32 का, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देंगे हर सवाल में, ये क्या हो गया 2 × 7 = 14 और 4 = 18/7 इंटू 70, काट लेंगे 10 × 7 = 70, 18 × 7 = 180, तो 180 माइनस 32 कितना हो गया 148, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट, इसके बाद हम बाकी के पेपर भी करेंगे और वो सीरीज जो चल रही है रीजनिंग और मैथ्स की, जिसमें मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ आपको, रिवाइज करा रहा हूँ आपको, वो भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब कंटिन्यू बनेंगी वीडियो और आपको अपडेट होते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे नई नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।